दोस्तों, अगर आप लोगों का वजन दौड़ने पर भी कम नहीं हो पा रहा है, सारा खाना कंट्रोल करने के बाद में भी कम नहीं हो पा रहा है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम होती जा रही है, गैस आदि की समस्या है, तो अपनाइए यह दवाई जेनिथ की प्रोटीन डाइजेस्ट। ये आप लोगों का खाना जो है वो आसानी से पचाएगी, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को कुछ ऐसे एंजाइम्स मिलेंगे जैसे कि लिपेज एंजाइम होता है और आप लोगों का एमिलेज एंजाइम होता है। जब आप लोग खाना खाते हैं तो आप लोग खाने को सही तरीके से दांतों से नहीं तोड़ते हैं, मही नहीं करते हैं, तो क्या होता है कि आप लोगों की जो मुंह की लार होती है वो आप लोगों के खाने के साथ नहीं जाती है। तो मुंह की लार में आप लोगों के पास दो एंजाइम होते हैं, लिपेज और जैसा कि मैंने कहा एमिलेज एंजाइम। ये खाने को तोड़ते हैं, जो आप लोग प्रोटीन खाते हैं उसको कार्बोहाइड्रेट और फैट्स में तोड़ते हैं, और जब खाना पेट में जाता है तो आप लोगों का क्या होता है कि वहां पर एक एंजाइम और होता है जिसे हम लोग प्रोटीज बोलते हैं। तो जब आप लोग प्रोटीन को आप लोग अपने स्टमक में डालते हैं तो वो जो प्रोटीन होता है वो एक चैन होती है अमीनो एसिड्स की, उस चैन को ब्रेक डाउन करता है आप लोगों का प्रोटीज एंजाइम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इस प्रकार खाना टूटता है और महीन टुकड़ों में टूटता है आप लोगों के पेट में। तो अगर आप लोगों के पेट के अंदर वो एंजाइम्स नहीं है, आप लोगों की इंटेस्टाइन के अंदर या आप लोगों की स्लाइवा के अंदर वो एंजाइम नहीं है, तो आप लोगों का जो खाना है वो प्रॉपरली टूट नहीं पाता है, जिसकी वजह से ऐसा होता है कि हार्मोनल इफेक्ट हो जाते हैं या आप लोग जो है डेफिनेटली मोटे होते ही जाते हैं, आप लोगों पर कोई भी चीज असर नहीं करती है। तो आप लोग इस सप्लीमेंट का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस सप्लीमेंट को खरीदने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का इस्तेमाल कीजिए और अपने मोटापे को कम कीजिए, फिट रहिए, स्लिम रहिए। जैसा कि मैंने कहा कि देखिए, इस प्रकार आप लोगों का जो प्रोटीन होता है वो ब्रेक डाउन होता है। लिपेज एंजाइम, एमिलेज एंजाइम, प्रोटीज एंजाइम, ये डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स जो हैं वो इसके अंदर हैं। तो आप लोगों का जो प्रोटीन होता है वो डेफिनेटली ब्रेक डाउन होता है, यानी कि एमिनो एसिड्स जो होते हैं, एक चैन ऑफ एमिनो एसिड्स आप लोग कह सकते हैं कि प्रोटीन होता है, और वो प्रोटीन जो है वो ब्रेक डाउन होता है इस प्रोटीन डाइजेस्ट के जरिए, ताकि आप लोगों का खाना पच सके। और बाइकार्बोनेट जो बफर होता है जिससे आप लोगों का गैस जो है रिड्यूस होता है, वो आप लोगों का ब्लोटिंग की समस्या आप लोगों को नहीं होगी। इसके खाने के बाद आप लोगों को ब्लोटिंग नहीं होगी, पेट का अफरा नहीं होगा, पेट फूलेगा नहीं, और आप लोगों का खाना आसानी से पच सकेगा, जिससे आप लोगों को फैट जो है आप लोगों पर नहीं जमेगा और आप लोग स्लिम फिट और स्ट्रेंथ रहेंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।